सर्कल टॉपिक में। सर्कल टॉपिक हमने लास्ट क्लास में जस्ट स्टार्ट किया था। क्या था? लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये था, तो उसे कहते हैं सर्कल। फिक्स पॉइंट अगर ए भी है एक फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट पी मूविंग पॉइंट है एक्स वाई, ये रेडियस है फिक्स डिस्टेंस रेडियस है, तो इस सर्कल की इक्वेशन आती है डिस्टेंस फॉर्मूला से एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या बन जाती है इसकी इक्वेशन? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही अगर सेंटर जीरो जीरो तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब इस तरह का फॉर्मेट आप देखोगे तो देखते ही बता सकते हो कि सेंटर जीरो जीरो है, रेडियस आर। ये फॉर्मेट देखोगे तो देखते ही बता सकते हो कि सेंटर ए बी है, रेडियस आर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। नेक्स्ट लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट वन है, या इक्वल भी हो टू हो तो भी टू से डिवाइड कर सकते हो। इस तरह का फॉर्मेट हो, एक्स वाई का कोई टर्म नहीं आ रहा है इसमें, एक्स है वाई है कांस्टेंट टर्म है, जी एफ सी यहाँ नहीं मालूम है हमें। यह है कि स्ट्रेट लाइन में जनरल इक्वेशन क्या थी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू। ऐसे ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस तरह से कोई इक्वेशन दिया तो उसको हम सेंटर और रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसको इसी फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो एक्स वाले जो टर्म है उनको एक साथ ले लें और उनका परफेक्ट स्क्वायर बना लें। एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स को क्या ले सकते हो? एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस जी स्क्वायर। जी स्क्वायर नहीं है, जी स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं। यहाँ जी स्क्वायर ऐड किया तो जी स्क्वायर एक तरफ सब्ट्रैक्ट किया है, दो आर एच एस में भी ऐड कर दिया, वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही वाई के टर्म में देखिए, वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई, तो उसको लिख लेते हैं वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर। तो यहाँ आएगा वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर ऐड कर ले दो तरफ। सी ये जो कांस्टेंट था इसको ले जाइए आर एच एस में तो माइनस सी हो जाएगा। आर एच एस को ऐसे ले सकते हैं रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मेट इसी फॉर्मेट की तरह है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से कंपेयर करते हुए हम सेंटर क्या बता सकते हैं इस सर्कल का क्या होगा? माइनस जी कमा माइनस ए। और हमेशा इस जनरल इक्वेशन में दिया होगा उससे आप डायरेक्ट बना सकते लिख सकते हैं ये माइनस जी माइनस एफ। तो इसमें माइनस जी क्या है? जी है टू जी था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस जी क्या हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई टू करोगे तो जी आएगा, माइनस टाइम्स करोगे तो माइनस जी आ जाएगा। तो सेंटर है माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई टू कामा माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ वाई बाई टू इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है उसमें यस होगा सेंटर, ठीक है। रेडियस क्या होगा? रेडियस है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इस सर्कल के, जो जनरल इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है।
आगे देखें, देखिए जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है, माइनस में है लिखा है सी, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन सी भी अगर पॉजिटिव है और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग केसेस आए हैं। इफ दिस इज ग्रेटर देन जीरो, तो रूट के अंदर वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडियस ग्रेटर देन जीरो आएगी मतलब रियल सर्कल होगा, जो सर्कल दिया होगा जनरल इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है वो रियल सर्कल है विथ फाइनाइट रेडियस, जिसकी रेडियस भी आ रही होगी कुछ फाइनाइट, नॉन जीरो, जीरो नहीं है रेडियस। लेकिन यही अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस हो गई जीरो। तो आपने सेंटर बनाया लेकिन रेडियस जीरो है, तो देखिए मान लीजिए बना लिया सेंटर, रेडियस जीरो है तो क्या करोगे, इससे कोई डिस्टेंस ले ही नहीं सकते, मतलब बस यही पॉइंट ही सर्कल हो गया। तो मतलब उसे कहेंगे एक पॉइंट सर्कल जिसकी रेडियस है जीरो, मतलब एक पॉइंट केवल आएगा। थर्ड, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन जीरो, तो रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी है तो डिफाइंड नहीं होगा, मतलब वो सर्कल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या कहेंगे हम लोग, दैट इज इमेजिनरी सर्कल। अटकल लिखेंगे अ जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री टू, अपने आप को म्यूट रखें बच्चों, कोई डाउट है तो पूछें। अ जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री टू दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है इफ एंड ओनली, क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट सेम होना चाहिए। देखिए उससे कंपेयर करते हुए जो जनरल इक्वेशन थी सर्कल की, ये दोनों का कोफिशियंट सेम होना चाहिए, वैसे तो वन था वहां पर, वन की जगह अगर कोई और भी है ए भी है तो उससे आप डिवाइड करके फिर सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। ध्यान रखें सेंटर रेडियस निकालने के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशियंट वन बना लीजिए, उसके बाद फार्मूला लगाइए, और एक्स वाई का टर्म उसमें नहीं आया था, इसमें क्या हुआ ए बराबर बी, और एक्स वाई को टर्म नहीं आया था, मतलब एच क्या होना चाहिए जीरो, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा हो तो जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री टू किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, एक सर्कल को। जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करती है, वो हमने पढ़ा था जब d बराबर जीरो होता है, मतलब ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ऐसा हो तो जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, चलो इस पर बेस्ट पहले एकदम सिंपल क्वेश्चंस करके बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, हुज सेंटर इज 1, 2 एंड passes through
फोर कॉमा सिक्स एंड पासिस थ्रू फोर कॉमा सिक्स 25 पाई. ठीक है, सेंटर दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है कि ये सर्कल किस पॉइंट से पास होगा, तो हमारे पास रेडियस भी आ जाएगी. सेंटर है 1 2 और सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा है ये दिया है, तो इससे डिस्टेंस अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वही रेडियस है. तो रेडियस क्या है, यह सीपी डिस्टेंस, दैट इज रूट ओवर 4 - 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 6 - 2 4 स्क्वायर. कितनी आ गई रेडियस, 5. तो एरिया सर्कल का क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. आर की वैल्यू 5 रखी तो कितना आंसर आ गया, 25 पाई. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. Which is concentric. Concentric मतलब जिनका सेंटर सेम. Concentric with 3x square plus 3y square minus 5x minus 6y minus 14 is equal to 0. And perimeter. Is 36 pi. जल्दी से नोट करेंगे. नहीं आया किसी का, बहुत आसान क्वेश्चन तो है. सर 36x² plus 36y² minus 60x minus 72y. पूरा सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं होती. देखिए आप इससे 5/2² plus y minus 3² = 324. पहले बताइए सेंटर कितना आया सर, 5/6 5/6 comma 1 ये आंसर. यस सर. देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 3 है, तो पहले 1 बना लेना है इसको. तो इस सर्कल की इक्वेशन को ऐसे लिख लें, 3 से डिवाइड कर दें, x² plus y² minus 5 upon 3x minus 2y minus 14 by 3 is equal to 0. सेंटर या रेडियस के फॉर्मूले लगाने से पहले x² y² कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसके बाद आप सेंटर लिखते हो माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब 5 by 3 माइनस टाइम्स माइनस 5 by 3 by 2. ये 2g है तो माइनस जी कैलकुलेट करना है. माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ वाई माइनस 2 अपॉन 2. ये है सेंटर, कितना हुआ 5/6, 1. वाई का जो कोएफिशिएंट है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए वाई क्वाड्रेंट. एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए वो है एक्स क्वाड्रेंट. ऐसे मिलेगा सेंटर. इसकी रेडियस नहीं निकालनी, रेडियस के लिए तो दिया है
वो दूसरा सर्कल, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर है 2 पाई आर होता है, बराबर 36 पाई। तो आर की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 18। तो रेडियस पता है, सेंटर पता है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, जिसका सेंटर रेडियस मालूम हो उसकी इक्वेशन ऐसे लिखनी है, x माइनस 5 बाई 6 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर बराबर रेडियस स्क्वायर, ऐसे लिखना है। जब सेंटर रेडियस मालूम है तो ये इक्वेशन, इसको पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर ऑप्शन वैसा दिया तब लिखने की जरूरत नहीं, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 फिर लिखेंगे, नोट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल हैविंग लाइंस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7 एस इट्स डायमीटर्स लिखा हो और नॉर्मल्स और लॉन्गेस्ट कॉर्ड्स, ये तीनों सेम है। सर्कल में जो डायमीटर होता है वो सेंटर से पास होता है, वही है डायमीटर, नॉर्मल भी वही है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है डायमीटर, और सर्कल का जो नॉर्मल होता है किसी पॉइंट पे वो जाके सेंटर से पास होता है, एंड हुज एरिया इज ठीक है, क्या करना है इसमें भाई, ये डायमीटर्स हैं, दो डायमीटर्स आ गए, डायमीटर्स को या यहाँ नॉर्मल जो होता है किसी भी का नॉर्मल, सर्कल में नॉर्मल बहुत आसान है, बाकी पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में कैलकुलेट करना पड़ता है, सर्कल में तो सेंटर से पास होता है नॉर्मल, ठीक है, यही लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होती है, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही सेंटर है, तो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, इनको सॉल्व करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, या फर्स्ट इक्वेशन में 4 से और सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दो, तो माइनस एक्स बराबर आ जाएगा माइनस 1, तो एक्स बराबर आ गया 1, या एक्स बराबर 1 किसी में रख दो तो वहां से वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 1, ये सेंटर आ गया 1 माइनस 1। रेडियस के लिए एरिया दिया है पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो रेडियस मिल गई आपको 7। सेंटर मालूम है, रेडियस पता है, तो सर्कल की इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग, दैट इज एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर 49। बोलिए कोई दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एस, उस सेंटर is 4, 3 and touching the line five x minus 12 y minus 10 is equal to 0। सर्कल जिसका सेंटर दिया है और एक लाइन दी है जो कि सर्कल को टच कर रही है, मतलब टेंजेंट है, उसकी इक्वेशन दी हुई, तो सर्कल की इक्वेशन चाहिए,
तो सेंटर पता है तो रेडियस की और जरूरत है। सर x माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। तो रेडियस क्या है, सेंटर से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी, तभी ये लाइन टच कर रही है। ये सर्कल है, इस पर टेंजेंट है एक लाइन, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ये रेडियस होनी चाहिए। सेंटर क्या है, 4, 3, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए तो रेडियस होगी 5 × 4 − 12 × 3 − 10 अपॉन रूट और 5² + 12² = 13। ये तो आएगा, देखिए 20 − 46 2 आ गई रेडियस, 26 / 13 यही आ रही। सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, तो सर्कल की इक्वेशन फिर लिख लेंगे। सर्कल की इक्वेशन क्या हुई, x − 4² + y − 3² = 2² = 4। देखिए बताएं कोई प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट लिखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म मतलब जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट पता हो। मान लीजिए एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट पता है, ये डायमेट्रिक एंड दिए हैं ए बी, ये दिया हुआ है x1 y1, ये दिया है x2 y2। आपसे कहा गया इस सर्कल की इक्वेशन बताओ, ये हो गया बी मिड पॉइंट, यहाँ सेंटर, कैसे निकालेंगे डायमीटर इसकी इक्वेशन। सर्कल क्या है, लोकस है, एक पॉइंट पी इस तरह से मूव कर रहा है इस सर्कल के ऊपर, मान लीजिए पी एक्स वाई है, तो इस पी पर देखिए कितना एंगल बनेगा, ये एंगल ए पी बी 90 डिग्री होगा हमेशा, ये पॉइंट पी कहीं भी हो इस सर्कल पे, क्योंकि एंगल सेमी सर्कल में जो होता है वो 90 डिग्री होता है, कहीं भी पॉइंट इस सर्कल पे मूव करते रहे ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता रहेगा। तो इस पॉइंट P का लोकस ही सर्कल है, तो P का लोकस निकालने के लिए क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ PA इनटू स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू -1। कह सकते हैं स्लोप ऑफ PA इनटू स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू -1। बताइए PA का स्लोप क्या होगा, PA का स्लोप टू पॉइंट फॉर्म से निकाल लो, ये का स्लोप क्या हुआ, y − y1 अपान x − x1। पीवी का कितना हुआ, y − y2 अपान x − x2 इज इक्वल टू -1। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो y − y1 इंटू y − y2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x − x1 इंटू x − x2। इसको ले आओ LHS में, क्या बन जाएगा, x − x1 इंटू x − x2 प्लस y − y1 इंटू y − y2 इज इक्वल टू 0। नोट करेंगे, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इस तरह से कोई इक्वेशन लिखी हुई हो तो उसको देख के ही आपको समझ जाना है कि डायमेट्रिक फॉर्म है। मान लीजिए ऐसे लिखा x - 1 इंटू
x plus 3 plus y minus 3 into y minus 7 बराबर 0, तो क्या समझोगे? इक्वेशन आप सर्कल है डायमेट्रिक फॉर्म में, जहां पर एक डायमेट्रिक एंड क्या है 1 3 और दूसरा क्या है माइनस 3 कॉमा 7, कर सकते हैं उस सर्कल की इक्वेशन है? बोलिए। यस सर। अच्छा, यही इक्वेशन अगर आपसे कहा जाए, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ लिस्ट रेडियस एंड पासिंग थ्रू एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, तो भी यही आएगी। तो लिखेंगे द अबव इक्वेशन इस इक्वेशन ऑफ सर्कल इस इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ लिस्ट रेडियस और लिस्ट पेरिमीटर और मिनिमम एरिया और लिस्ट एरिया एंड पासेस थ्रू एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, मान लीजिए क्वेश्चन कहा गया है दो पॉइंट एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू से एक सर्कल पास होता है और उसका रेडियस मिनिमम है, रेडियस मिनिमम है तो डायमीटर भी मिनिमम होगा। अब ए बी अगर डायमेट्रिक एंड नहीं हुए, मान लीजिए ए बी डायमेट्रिक एंड नहीं है, तो डायमीटर कुछ और होगा, ए बी को छोड़ करके कोई दूसरा डायमीटर मिलेगा। मान लीजिए इस तरह से आ गया सर्कल, ए बी एक कॉर्ड है इसकी, एक ए बी कॉर्ड है तो डायमीटर कुछ और होगा, तो ए बी रेडियस क्या हुई, रेडियस इसकी, अगर मैं ए बी को डायमीटर लेकर के एक सर्कल बनाता उसकी रेडियस और ए बी को कॉर्ड लेके डायमीटर कॉर्ड लेके सर्कल बना रहे हैं तो उसकी रेडियस, दोनों में किसकी रेडियस कम होगी? क्लियरली इसकी रेडियस कम होगी जिसमें डायमीटर ए बी हो जाएगा, क्योंकि अगर डायमीटर ए बी नहीं है तो ए बी कॉर्ड है तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कोई और है। यही अगर मिनिमम एरिया कर रहे हो तो उससे भी रेडियस आएगा, पेरीमीटर कर रहे हो तो रेडियस पे ही सब डिपेंडेंट है। रेडियस अगर मिनिमम है तो डायमीटर भी मिनिमम है, एरिया भी मिनिमम है, पेरीमीटर भी मिनिमम है, क्योंकि 2 पाई आर, आर मिनिमम है तो 2 पाई आर मिनिमम है, आर मिनिमम है तो पाई आर स्क्वायर मिनिमम है। तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज लिखी हो, लिखा हो पॉइंट सर्कल इज पासिंग थ्रू एक्स वाई वन एंड हैविंग मिनिमम रेडियस और मिनिमम डायमीटर और मिनिमम पेरीमीटर, तो वो सर्कल क्या होगा, डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन को लिखना होगा। नोट कर लीजिए और देखिए कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो बताइए। नोट करिए इसको और देखें किस भी पॉइंट में किसी को कोई डाउट है। नोट कर लिया? यस सर। कुछ मैसेज भी हैं आपके?